हर्षवर्धन जी, बुलाई चुनाव के तुरंत बाद। हर्षवर्धन जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि परिस्थितियां असामान्य है, जो ये मुलाकात हो रही है उनकी परिस्थितियां असामान्य है, इसलिए वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ वही चीजें देखें जो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर सके, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। नहीं तो इनको कुमारी शैलजा का बयान अवश्य दिखता, नहीं तो इनको समझ में आता कि लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक नहीं बना पाए हैं विपक्षी नेता, कांग्रेस नहीं तय कर पा रही, इनको समझ में आता कि प्रियंका का जो समूह है, प्रियंका के जो लोग हैं कैसे बेचारे परेशान हैं कि प्रियंका जी को संसदीय राजनीति में नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन ये एक दूसरा संदर्भ हो गया जो बताना जरूरी था। असली बात क्या है, ये सच है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी और संघ को एक करके देखेंगे तो हमें संगीत सोम और संजीव बालियान का झगड़ा, जो बहुत छोटा सा झगड़ा है, वहां के नेता है, वहां का झगड़ा है, इससे संघ का क्या लेना देना होगा, या कोई भी इस तरह का बयान दे ओम प्रकाश राजभर से क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी उनको लेके आई, झेले, उस वक्त भी भाजपा के नेता विरोध कर रहे थे, क्या नहीं विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये समझना ही पड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां उनको लगता था और हम सबको लगता था, जो भले ही आज भाटी जी की पार्टी 37 सीटें जीती है, बहुत शानदार सफलता अखिलेश यादव को मिली है, लेकिन हर किसी को लगता था कि भाई बहुत भाजपा नीचे जाएगी तो भी कितनी सीटें जीतेगी, तो 50 के ऊपर रहेगी, 60 के ऊपर रहेगी। अब आज चूंकि नंबर आ गए तो हम सब उसे स्वीकार करते हैं, मैं गलत साबित हुआ उसके आकलन में, मैं भी ये भी स्वीकार करता हूं, लगातार स्वीकार करता हूं, लेकिन जो गलतियां हुई हैं उसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा भाजपा को। अब उसको दुरुस्त करने के लिए क्या तरीका होगा, एक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा करेगी जो लगातार कर रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विपक्षी दल क्यों खुश है 232 और 234 के नंबर पर, भाजपा तो 293 के नंबर पर भी खुश नहीं है। और दूसरा, संघ एक वैचारिक, जिसको कहते हैं ना कि अधिष्ठान के तौर पर काम करता है, वो भी बताएगा। चलिए, आकाश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए, आकाश जी जैसा नहीं इसको समझना चाहिए। आकाश जी देखिए, यहाँ पर हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 293 पाने के बाद भी बीजेपी और एनडीए के लोग समीक्षा कर रहे हैं, और एक बड़ा प्रश्न ये भी उठाया कि नेता विपक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा सदन में, लोकसभा में, ये भी कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है। दूसरों का घर झांकने चले, अपने घर में आप देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरे मित्र को मैं बता दूं कि आरएसएस पे आज ये जो भी सवाल उठ रहे हैं, जनसंघ से आरएसएस का एक बहुत बड़ा पगड़ा भाजपा पे रहा है, और आरएसएस की पार्टी ही भाजपा रही, पॉलिटिकल जो फेस है वो भाजपा रही, ये वास्तविकता है, भले ही आप उसको कोई माध्यम से स्वीकारो या ना स्वीकारो। अब दूसरी बात, आज जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना विपक्षी नेता, बिल्कुल हम जल्द से उसको तय करेंगे, उसपे कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो सवाल आज बुनियादी सवाल जो खड़े हो रहे हैं, मोहन भागवत जी का जो आज अलग अलग बयान आ रहे हैं आरएसएस के लोगों का, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, और मोदी जी के कार्यकाल से आरएसएस नाराज है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, आरएसएस हमेशा से संगठन महासचिव भाजपा को देते आ रहा है, पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो गया है पोस्ट, और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस हो, पॉलिटिकल बेस हो, उसके ऊपर अमित शाह जी का कब्जा हो गया है, वही अल्टीमेट निर्णय लेते हैं, मंत्रिमंडल हो, मोदी शाह, ये दोनों ही इसके ऊपर ये करते हैं। और कहीं ना कहीं गुजरात की जो प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है उनका कब्जा हो गया है। आकाश यादव जी, आकाश यादव जी, मुझे लगता है कि आपने संघ और भारतीय जनता पार्टी पर अच्छे से रिसर्च कर लिया, पीएचडी कर लिया कांग्रेस की बजाय। आपको ये पता चल गया कि संगठन महासचिव संघ भेजता है। मैं इस देश का ही नागरिक हूँ तो मैं ये सब देखता हूँ, मैं भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कमियां आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। देखिए, कांग्रेस की, मैं आपको उसके ऊपर आता हूँ, हमारी 232 सीटों की बात करते हैं, अरे भाई 40 सीटों पे आपने प्रशासन का दुरुपयोग करके सीटें जीती है, 166 सीटों पे आप सिर्फ 2000। आकाश जी देखिए, जो सीटें आप जीत गए वहां पे प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ, और जो हार गए वहां पर हो गया, ये चुनाव आयोग को तय करना है। फिलहाल डीके दुबे जी यहां पर हमारे साथ मौजूद है। डीके दुबे जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी और संघ पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कांग्रेस की बजाय बीजेपी और संघ पर ज्यादा रिसर्च करके आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अभी पीछे पूजनी सरसंघ चालक जी का एक और बयान आया था, वो शायद इन्होंने सुना नहीं होगा, और सुना होगा तो इग्नोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हमसे मांगे तो कांग्रेस को भी हम देने को तैयार हैं, कोई भी संगठन अगर कार्यकर्ता हमसे मांगता है तो हम उसको कार्यकर्ता देने को तैयार हैं।
अगर कांग्रेस को भी आवश्यकता हो तो वो मांग सकते हैं, लेकिन उनको हमारी विचारधारा यानी कि राष्ट्र की विचारधारा पर काम करना पड़ेगा, तुष्टीकरण छोड़ना पड़ेगा, उनको ये क्षेत्रवाद छोड़ना पड़ेगा, उनको ये राजनीति जो लड़ाने वाली है फूटो और राज करो वो छोड़नी पड़ेगी। तो राष्ट्र के नाम काम करने का जो कार्य है वो संगठन कर संघ करता है, और संघ के पास हर एक उस विभाग में जिस पे राष्ट्र को आवश्यकता है, मजदूरों के संघ में मजदूरों के विषय पर काम करने के लिए राष्ट्रीय मजदूर भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थियों पे काम करने के लिए विद्यार्थियों पर अलग विद्यार्थी परिषद है, स्कूलों पर काम करने के लिए। डीके दुबे जी, अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी तरह से बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या चीजें घटित हुई हैं, और इसके साथ ही मेरा एक सवाल आपसे यह भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, यूपी में जो नतीजे आए हैं इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं? देखिए, पहली बात तो अभी जो दुबे जी कह रहे थे संघ प्रमुख का वो बयान विज्ञान भवन में, जब उन्होंने 3-4 दिनों तक सारे सवालों का जवाब समाधान किया था, तो वहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी पेशकश की थी कि अगर वो भी मांगेंगे तो उनको संगठन सचिव या संगठन का व्यक्ति दे देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इस तरह का जो उत्तर प्रदेश के हार, इस पर तो लगातार चर्चा हम लोगों ने की है, आपके चैनल पर भी की है, अन्य जगहों पर भी की है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नतीजों को इतनी आसानी से, और सिंगल लेयर्ड नहीं है वो मल्टी लेयर्ड नतीजे आए हैं, वहां एक कोई कारक नहीं है कि उसकी वजह से हार गई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। और लेकिन जो मल्टी लेयर है उसमें मुझे लगता है कि जो प्रत्याशियों का चयन है, जैसे हर्षवर्धन जी आपके पास बैठे होंगे, प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है उत्तर प्रदेश में, जैसे कानपुर हो गया, जैसे अभी राजभर के पुत्र हो गए, इन सब चीजों, और वो रितेश पांडे हो गए अंबेडकर नगर से, अयोध्या से लल्लू सिंह हो गए जिन्होंने पहली बार संविधान बदलने की बात की थी। तो ऐसे प्रत्याशियों के चयन पर मुझे लगता है कि जो पहला स्तर है वो है, दूसरे स्तर में कुछ राजनीति भी वहां हुई है और वो बड़ी, उसकी अभी बड़ी पड़ताल चल रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसमें से और उन लेयर से खुलासे होंगे कि सिर्फ एक कारण नहीं है, ये अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में उनके जीतों का अंतर कम हो जाता है। अयोध्या में, सॉरी, फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है, अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हार जाती है। तो इन सब के पीछे कोई एक कारण नहीं है कि ये, और ये मैं एक बात और कहता हूं, भाटी जी उससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि अभी जीत में है, सकारात्मक टिप्पणी में कर रहा हूं कि ये सकारात्मक वोट से कोई नहीं जीता उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र और नकारात्मकता की वजह से। भाटी जी जवाब दीजिए, ये मुझे लगता है, मैं जवाब लेता हूं, राजकुमार भाटी जी षड्यंत्र और नकारात्मकता, ये दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अनंत जी, क्या इससे आपकी जीत हुई है? कोई भी, देखिए अनंत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो ऐसे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कोई भी समझदार आदमी सहमत नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक समीक्षक, राजनीति का जानकार, कोई भी विचारवान व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि नकारात्मक वोट अगर थोड़ा बहुत था तो बीजेपी की तरफ था, किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला के जो वोट हासिल किया जाता है उसे नकारात्मक कहते हैं। ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारे घर को छीन लेंगे, ये वोट तो थोड़ा बहुत बीजेपी के साथ था, हमारे साथ जो वोट है, हमारे साथ मुद्दों का और न्याय का वोट है, हमने सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाई, हमने संविधान के समर्थन की आवाज़ उठाई, हमने अग्निवीर की आवाज़ उठाई, किसानों के MSP का मुद्दा उठाया, रोजगार का सवाल उठाया, पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय का सवाल उठाया, इसमें कौन सा नकारात्मक वोट है? भारतीय जनता पार्टी अगर सही समीक्षा करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण उनका अहंकार है, इन्होंने इतना अहंकार पाल लिया कि हम राम को लेकर आए हैं, किसी भी जो आस्थावान लोग होते हैं किसी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि जो राम पूरी दुनिया के प्रजापालक कहे जाते हैं, जो राम हमको लेकर आते हैं उस राम को तुम लेकर आए हो, ऐसे ऐसे फोटो चलाए गए कि छोटा सा बच्चा राम को बना दिया, मोदी जी उंगली पकड़ कर राम को ले जा रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को खराब लगा। हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए, हर्षवर्धन जी यही सवाल आपसे है, इंद्रजीत के बयान में व्यक्त हो रही है बिल्कुल अहंकार पाल लिया। चलिए हर्षवर्धन जी आपसे यही सवाल है कि आपके हिसाब से क्या
बड़े कारण नजर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, ऐसी लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यूपी के नतीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो आपके हिसाब से क्या बड़े कारण रहे और कौन जिम्मेदार है यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे? देखिए, मैं अनंत जी से और भाटी जी से दोनों लोगों से सहमत, लेकिन भाटी जी ने जो कहा ना कि मुद्दों पर चुनाव लड़े, इससे असहमत हो जाता हूं। आप साफ साफ बताइए ना कि भाई ठीक है, अखिलेश यादव ने जाति का अच्छा समन्वय किया, लेकिन ये भी बताइए कि जो अनंत जी कह रहे हैं मैं उसको शब्दशः बताता हूं। जब आप बोलते हैं संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, आरक्षण छीन लेंगे, तो झूठ बोला, ये नकारात्मक है जिसका जिक्र कर रहे हैं अनंत जी। आपने लोगों के दिमाग में झूठ भरने, और ये पहली बार नहीं, संघ फासीवादी संगठन है, भाजपा फासीवादी संगठन है, ये जब से कांग्रेस है और कांग्रेस का पश्चाताप है तो समाजवादी पार्टी को भी जीवित न रहने देती। भाटी जी, आपकी जानकारी के लिए, और अभी एक बार जरा मुसलमान के साथ दलित वोट ठीक से आ जाए और कांग्रेस कैसे काम करती है उसके दो बड़े उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। क्या औरंगाबाद नगर जो संभाजी नगर हो गया है, वहां इम्तियाज जलील सांसद नहीं थे, क्यों नहीं उनको दे दिया? आप लोग चले, हर्ष जी फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है, आगे इस मुद्दे पर और डिबेट करेंगे। डीके दुबे जी, अनंत विजय जी, आकाश जाधव जी, राजकुमार भाटी जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। Z News.